अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव ढवारसी का है, जहां पर बीती 9 जनवरी को करीब 8 बजे कुलदीप नामक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। देखने वाले इसे सड़क हादसा मान रहे थे, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। जिसके बाद सीओ हसनपुर अभिषेक यादव ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक कुलदीप की पत्नी लता शर्मा का करीब 5 वर्ष से नरेंद्र से अवैध संबंध चल रहे थे। लता ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दे दी थी। आरोपी कुलदीप को गाड़ी दिखाने के बहाने घर से ले गए और उन्होंने 9 जनवरी की शाम को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में हत्या को सड़क हादसा दिखाने के लिए उन्होंने शव को सड़क पर डालकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच करते हुए पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, पिछले 9 जनवरी 2023 को ढवारसी रोड पर शाम को 8 बजे हमें ढवारसी गाँव के निवासी कुलदीप शर्मा का शव मिला था सड़क पर, और वो शव की जो कंडीशन थी उसको देख ऐसा लग रहा था कि किसी से उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो परिवारजनों के तहरीर पर 10 तारीख को 279/304A में केस को दर्ज किया गया, लेकिन बाद में पता चला और परिजनों ने आशंका व्यक्त की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जिस तरह से चीज़ें आ रही थी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसका मर्डर हुआ है। तो इस आशंका पर और परिजनों की शिकायत पर हमारी पुलिस टीम ने उसमें लग करके उसके पीछे जानने की कोशिश की कि वास्तव में हुआ क्या था। तो जब थाने की टीम पूरी लगी तो हमने अपने सर्विलांस और बाकी चीज़ों से जब ये पता किया तो पता चला कि मृतक की जो पत्नी थी लता शर्मा, उसका एक व्यक्ति है नरेंद्र सनाफ यादराम सिंह, जो कि गैस एजेंसी का संचालक है, उसके साथ उसके संबंध थे। और लता और कुलदीप के रिश्ते जो है आपस में अच्छे नहीं थे और इन लोगों के बीच में बहुत सारी लड़ाई बहुत पहले से चलती रहती थी। कुलदीप जो था वो नशे का आदी था और ड्राइविंग करता था, लेकिन खर्चे सही से नहीं चल पा रहे थे। और लता तो उस बहुत ज़्यादा उससे परेशान थी, बच्चे भी परेशान थे। इस बात पे लता ने एक दिन नरेंद्र को बोला कि इसको हमारे रास्ते से हटा दो, ये हमारे बीच में दिक्कत कर रहा है। और नरेंद्र और लता के आपस में संबंध हो चुके थे 4-5 साल पहले से ही, तो दिक्कतें जब ज़्यादा बढ़ती चली गई तो इन लोगों ने कपिल को बुलाया, कपिल सनाफ महिपाल। कपिल को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया 2 लाख रुपये में कि इसको कुलदीप को रास्ते से हटाना है। तो नरेंद्र और कपिल अकेले ये काम नहीं कर पा रहा था, तो इसने ऋषिपाल और विजय दो लोगों को और लोगों को हायर किया। तो टोटल ये 4 लोग हो गए, नरेंद्र, कपिल, ऋषिपाल और विजय। इन 4 लोगों ने मिल करके 9 तारीख को गाड़ी दिखाने के बहाने कुलदीप को यहाँ उजहारी से वो लोग लेके उसको गए गजरौला। अब गजरौला में गाड़ी दिखाने के बहाने वहाँ पे एक गाड़ी दिखवाई भी, ऐसा सुनने में आया, लेकिन ये लोग वापस उसको लेकर के आ गए उजहारी। और उजहारी में लोगों ने खूब शराब पी, क्योंकि मारने का प्लान पहले से ही था। उजहारी में खूब शराब पी और जब वो खूब नशे में हो गया कुलदीप, तो उसको एक सेंट्रो गाड़ी जो विजय की थी उसको उसमें डाल करके वो लोग जो है कि उजहारी से चले। और यहाँ पर कुआं डाली में पंडकी मार्ग पर यहाँ पर उन्होंने इसके कुलदीप के शव को रख करके विजय ने गाड़ी को सेंट्रो गाड़ी को 3-4 बार या और कई बार उसके ऊपर चलाया, और ऋषिपाल ने अपनी बाइक से भी उसके ऊपर चलाया ताकि उसकी डेथ हो जाए। और उसको मारने के बाद इन लोगों ने उसके शव को फिर पीछे गाड़ी में रखा, तो हड़बड़ाहट में वहाँ पे एक जूता छूट गया था और रास्ते में इसका एक जूता पैर, चूंकि गाड़ी इसके बाहर निकला हुआ था तो दूसरा रास्ता एक और जगह रास्ते में गिर गया। सकतपुर मार्ग से होते हुए लोग ढवारसी रोड पर लेके आए, और ढवारसी रोड पर पहुँचने के बाद इन लोगों ने एक बार फिर से तस्दीक करने के लिए कि पूरी तरह से मर गया है कि नहीं मर गया है, शव को रख के उसके ऊपर फिर से गाड़ी चलाई सेंट्रो गाड़ी। ऐसी आशंका कुछ लोग जता रहे हैं, पत्नी के कुछ आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, संगीन हैं, इसके बारे में जाँच की जा रही है और इसकी ये सब चीज़ें ये विवेचना का विषय हैं, विवेचना में चीज़ें प्रकाश में लाई जाएंगी अगर ऐसा कुछ होता है तो मृतक की पत्नी के आधार पे। आरोपियों तक कैसे पहुंचे? आरोपियों तक पहुंचने के लिए हमने अपनी टीम लगा रखी थी, हमने अपने सर्विलांस सेल का मदद लिया, प्लस इसके अलावा हमने करीब 3 या 4 टीमें अपनी गठित की थी, 3 टीमें लगभग। इसमें हमने दरोगाओं को लगा रखा था, हमारे SO ये राम प्रकाश शर्मा हैं, इन्होंने इसमें पूरा ये लगे रहे। और चूंकि CDR में आ रहा था कि ये बात करती थी लता जो है नरेंद्र से, और पहले से डाउट हो गया, आसपास के लोगों ने भी ये डाउट किया नरेंद्र के ऊपर, और इन लोगों की जो गतिविधियां थी वो भी संदिग्ध थी। और फिर हम लोग आई टीम जो उसमें गहराई में बढ़ी तो ये चीज़ें धीरे धीरे परत दर परत खुलती चली गई।
श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।